जुनेद और नासिर मामले में वही हुआ जिसका डर था। हम पहले ही दिन से ये डर आपको आप तक बता रहे थे कि किस तरह से इस मामले में पुलिस खेल कर सकती है और जिस तरह का दबाव मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर हिंदूवादी संगठन पिछले एक हफ्ते से राजस्थान पुलिस पर बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस में जिस तरह से इस मामले को लेकर आपस में ठनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान पुलिस के 40 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एक FIR दर्ज की, जिसके बाद हरियाणा पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। और अब एक नई कहानी निकल करके सामने आई है शाम से। मोनू मानेसर, जिसका नाम पहले ही दिन से सुर्खियों में था, नामजद FIR में उसका नाम था, 5 लोगों की जो नामजद FIR दर्ज की गई थी। जुनेद और नासिर के घर वालों ने, उनमें मोनू मानेसर का भी नाम मुख्य तौर पर था, और हरियाणा पुलिस भी ये मानकर चल रही थी कि उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके लाइसेंस को कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने पूरी तरह से दबाव बनाया राजस्थान सरकार पर भी और हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस पर भी, और वो अपनी रणनीति में कामयाब नजर आए। क्योंकि अब तक जिस मोनू का जिक्र किया जा रहा था, मोनू मानेसर का, राजस्थान पुलिस के जरिए, अब दूसरा मोनू अचानक इस सीन में डाल करके मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी गई है। राजस्थान पुलिस ने, उस पुलिस ने जिसके सर्वे सर्वा अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस के अशोक गहलोत, जो बार बार ये कह रहे थे कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा, किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, अब उन्हीं की पुलिस एक नई कहानी लेकर के सामने आई है। 8 आरोपियों को, 8 वांटेड लोगों की एक लिस्ट जारी की गई है राजस्थान सरकार के जरिए, और उन 8 वांटेड में मोनू मानेसर का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरा मोनू उसमें सीन में ला करके डाल दिया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 8 लोगों का एक वांटेड की लिस्ट हरियाणा पुलिस ने देर शाम अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी कर इनको वांटेड की लिस्ट में शामिल किया है। इस पूरे मामले में अभी तक एक ही आरोपी की गिरफ्तार राजस्थान पुलिस कर पाई है। हरियाणा पुलिस किसी भी तरह से सहयोग करने को तैयार नहीं है राजस्थान पुलिस का, और जिस तरह की कहानियां इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। यह बात भी सामने आई है कि हरियाणा में गौ तस्कर के नाम पर एक बहुत बड़ा मोनू मानेसर की सर्वे सर्वाई में, उसकी अध्यक्षता में, उसकी पुष्पनाही में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है गौ तस्करी के नाम पर, गौ विजिलेंट के नाम पर, और उनकी पुष्पनाही हरियाणा पुलिस को हासिल है। हरियाणा पुलिस की जितनी संख्या है पूरे हरियाणा में, उससे ज्यादा मोनू मानेसर के साथ इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं जो पुलिस के लिए मुखबरी का काम करते हैं, खुद विजिलेंट करते हैं, और मोनू मानेसर को अगर कोई गाय किसी गाड़ी में लेकर के जा रहा है तो उसकी लोकेशन फॉरवर्ड की जाती है, उसके बाद वो फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनका पीछा करते हैं और उन वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी करते हैं, और ये लगातार इनका जो एक नेटवर्क है वो बढ़ता चला जा रहा है। 15,000 से ज्यादा इस तरह के लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो मोनू मानेसर के रडार पर हैं, मोनू मानेसर के साथ हैं, मोनू मानेसर के लिए काम करते हैं, उसके लिए और पुलिस के लिए मुखबरी करते हैं, और कई बार गोली तक मारी जाती है, जान से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह के मामले पिछले 15 दिन में आपने देखा किस तरह से 3 लड़कों को निशाना बनाया गया है मोनू मानेसर के जरिए। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे थे कि मोनू मानेसर के जो लाइसेंस है उसको निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद अभी तक उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरह से उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना है एक पुराने मामले में, नासिर और इनसे पहले जो आपने देखा था 2 लोगों को जो मारा था, 2 युवकों को गौ तस्करी के नाम पर, और उसमें से एक की मौत हो गई थी, उसको एक्सीडेंट बताया था, उस मामले में उसके ऊपर पूरी तरह से आरोप है, FIR दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद आपराधिक मामलों में अगर किसी लाइसेंस होल्डर पर, हथियार का लाइसेंस किसी के पास है और उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर या अटेम्प्ट या रेप या हत्या का, यानी जो हीनियस क्राइम्स हैं उस तरह का कोई केस दर्ज होता है, तो तुरंत जो अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो उसके लाइसेंस को सबसे पहले उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से रोजाना महापंचायतें हिंदुओं की हो रही हैं, हिंदू संगठनों की हो रही हैं, और उन पंचायतों में जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने जो जिस पर एंकर किया था कि किस तरह से पुलिस को धमकी दी जा रही है कि राजस्थान पुलिस अगर हरियाणा में आएगी तो अपने पैरों पर, लेकिन वापस अपने पैरों पर नहीं जा पाएगी।
इस तरह की धमकियां, पुलिस धमकी में आ गई। और उसका कारण यह है कि राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी है, जिसको लेकर के पूरी तरह से हम पहले ही दिन बता रहे थे। और जब हमारी टीम गांव में पहुंची थी नासिर और जुनेद के, तो वहां पर भी हमारी टीम ने इस तरह का नज़ारा देखा था कि कुछ मुस्लिम बुजुर्ग जो हैं वो बाकायदा कैमरे के सामने बात करते हुए नजर आए। और उन्होंने जिस तरह से इस मामले में ये कहा कि वो कांग्रेस के ऊपर भरोसा रखते हैं, कांग्रेस सरकार पर उन्हें भरोसा है, अशोक गहलोत पर उन्हें भरोसा है, उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन अब वो सब कहाँ घुस गए हैं, क्योंकि कुछ नौजवान विरोध कर रहे थे, कब्रिस्तान में हंगामा कर रहे थे, तो उसके बाद दोनों ही ग्रुप में क्लैश होता हुआ नजर आया था। अब ये सामने आ रहा है कि ये सारे लोग कांग्रेस की दलाली कर रहे थे, इलेक्शन आने वाले हैं, MLA जो मुस्लिम MLA इलाके के हैं उनके साथ ये लोग इस तरह का कर रहे थे ताकि इलेक्शन को जीता जा सके, लेकिन अब तमाम लोग खामोश हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस में जिस तरह से आपस में ठन रही है, और राजस्थान पुलिस के इस स्टेप के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब परेशान हैं गाँव वाले, किस तरह से अब परेशान हैं वो लोग जो इंसाफ की आस लगाए बैठे थे। ये लिस्ट जारी करने के बाद से ही लगातार देर रात से सोशल मीडिया पर हंगामा है, और राजस्थान पुलिस के साथ साथ अशोक गहलोत को लोग टैग करके सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप किस तरह से कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप दबाव में आ गए, इलेक्शन है, मुसलमान का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों के मुद्दे आपको हल नहीं कराने हैं, मुसलमानों को इंसाफ नहीं देना है, मुसलमानों के ऊपर हो रहे जराइम, हो रहे क्राइम को लेकर के आपको आगे नहीं आना है, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, और उसके लिए आपने इलाके में कुछ दलाल टाइप के मुसलमानों को सक्रिय कर दिया जो आपकी दलाली कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी अब कहां गए, जो ये कह रहे थे कल वहां जाने के बाद कि मैं किसी भी कीमत पर इस मामले में नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, मैं पीड़ित को साथ उस वक्त तक खड़ा हुआ हूं जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। अब कोई बयान नहीं आएगा इमरान प्रतापगढ़ी का। कल जिस तरह से वो घर पर गए, लोगों से मिले, उन्होंने मुलाकात करवाई अशोक गहलोत से परिवार वालों की, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का एक्शन पुलिस के जरिए, इस तरह की कार्रवाई पुलिस के जरिए, इस तरह से जांच में जिस तरह से घालमेल करने की कोशिश की जा रही है, जांच का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से क्लीन चिट दी जा रही है मोनू मानेसर की, जो पूरी तरह से आतंकी घोषित हो चुका है। आतंकी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जब इस तरह के आतंकियों को, इस तरह के बदमाशों को पुलिस की पशपनाही हासिल होती है और जब पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, तो और बड़े अपराध को वो फिर अंजाम देते हैं। तो इस तरह से इस तरह के आतंकियों को खुलेआम छोड़ना, ये कहीं ना कहीं दावत दी जा रही है और बड़े क्राइम करने के लिए और मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, अगर आप वीडियो को देखना है तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।